इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस की आंसर की, जो कि जस्ट अभी एनटीए ने रिलीज की है। ये पेपर है 3rd of September का, मॉर्निंग बैच का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है डी, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन इसका भी फर्स्ट ऑप्शन दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो है टू। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर जो टू। एट्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन वो है फोर्थ ऑप्शन, 8s2 1। टेंथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, यानी फोर्थ ऑप्शन है। 11th का आंसर सेकंड ऑप्शन है, 590 माइक्रोफैरेड। 12th का ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, 3/5। 14th का आंसर है, 14th का आंसर है टू। 15th का आंसर है फोर्थ। 16th का आंसर है फर्स्ट। 17th का आंसर है सेकंड, 63 डिग्री। 18th का आंसर है टू, 100 ओम। 19th का आंसर है फर्स्ट, 3RE। 20th का आंसर है, 20th का आंसर है फोर्थ, -3i+32j-9k। 21 जो है वो वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 21 का आंसर आ रहा है 158। 22 भी वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है 20। 23 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है 150। 24 का आंसर है 101 और 25 का आंसर है 9, ओनली 9। ये जो आंसर्स आप देख रहे हैं क्वेश्चंस के, ये आपके इसमें सेम सीक्वेंस में नहीं मिलने वाले हैं। जैसे 21, 22 या 1, 2, 3, 4, ऐसे सेम सीक्वेंस आपके इन क्वेश्चंस के नहीं होंगे। ये कोड वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चन को चेक करिए और उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन चेक करके आंसर देखिए। ऐसे 1, 2, 3, 4 के ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो वो ऑप्शन मैच नहीं होंगे। आप क्वेश्चन रीड कीजिए, अपना क्वेश्चन रीड कीजिए और उसके बाद उसका आंसर देखिए। केमिस्ट्री के सेक्शन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ए है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, सिक्स क्वेश्चन का आंसर है डी, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, और एट्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी ये थर्ड आ रहा है सी। टेंथ क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी सेकंड वाला आंसर है। इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी, फोर्थ वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, मतलब फोर्थ वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ रहा है डी, 97, मतलब फोर्थ वाला आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी डी, यानी फोर्थ वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला, और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है फोर्थ नंबर, डी वाला ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है ए, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से ये वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है 10। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, 24 एंड 25 सारे वैल्यू टाइप क्वेश्चन है,
22 का आंसर है 143, 23 का आंसर है 58। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 100 एंड 25 का आंसर है 8। मैथ्स का सेक्शन देख लेते हैं। मैथ्स के सेक्शन में फर्स्ट का आंसर आ रहा है सेकंड, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी सेकंड है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन है, फिफ्थ का ऑप्शन है फर्स्ट वाला करेक्ट 1/9 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन 256 वाला करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ वाला ऑप्शन पाई स्क्वायर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 का भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड वाला ऑप्शन 3π/2 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी सेकंड ऑप्शन MQ=1/4 ये करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 इसका बी ऑप्शन 1/6 ये करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला मतलब टू ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 19 का डी यानी फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है मतलब वैल्यू बेस्ड मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखनी थी तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 22 की भी वैल्यू 4 आ रही है, 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 8 है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 10 और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सारे आंसर्स हैं जो कि NTA ने अभी रिलीज़ किए हैं, आप NTA की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ये सारे वेरीफाइड आंसर हैं, 3 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के ये आंसर्स हमने निकाले। अगर आपको इनमें से किसी आंसर्स के साथ में कोई चैलेंज होता है या आपको लगता है कि आंसर इनमें से कोई आंसर गलत है तो आप वहां पर उस वेबसाइट पे जाकर उस आंसर को चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन आंसर्स को एक बार देखें, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करें, याद करें आपने कौन सा आंसर लगाया है, या फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर NTA से अपना फॉर्म अपलोड डाउनलोड करें और उसके बाद आंसर्स को चेक करें और आंसर्स में अगर कोई मिसमैच आता है तो फिर आप उसका चैलेंज फॉर्म जो है वो फिल करके और उसको सबमिट कर सकते हैं।